बिग बॉस के घर में सच में है भूत? वेल, घर वालों के रिएक्शन से तो यही कुछ नजर आ रहा है। हेलो हेलो, मैं हूं रीता मिश्र और आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड न्यूज में। तो चलिए, बिग बॉस की सीजन 13 की बात करें तो मुझे लगता है कि इस सीजन में कोई भी कमी नहीं रह गई है। एक भूत की कमी थी जो इस वाले सीजन में आगे पूरी हो चुकी है। यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कंटेस्टेंट्स के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है, कभी किचन को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आ रहा है, जो एपिसोड में दिखाया गया, उसको जानकर और देखकर हम सभी हैरान हो गए हैं। भाई, यहाँ पे भूतिया माहौल जो बन चुका है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें भी शॉक्ड हुआ कि सच में क्या बिग बॉस सीजन 13 में जो ये दिखाई दे रहा है ये सच में हो रहा है या सच में ये जो कंटेस्टेंट है वो महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई भूत है। वेल, यहाँ पे विशाल आदित्य सिंह की बात करें तो वो आधी रात को उठकर करीब 3 या 3:30-4 बजे होगा, और क्योंकि वो लोग लेट भी सोते हैं तो यही कोई टाइम रहा होगा जिसमें वो उठकर जो है डर गए और कहने लग गए कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और मुझे भूत ने जो है 3 बार टच किया, और वो कुछ जादू टोने वाली बातें करने लगे, उन्हें कहने लग गए कि मुझे कोई लेडी दिखाई थी। वहीं मधुरिमा तुले की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विशाल की बातों पर अग्री करते हुए यहाँ पे दिखाई दी, और उसकी वजह से जो है सारे कंटेस्टेंट जो घर में हैं वो बिल्कुल डर गए और उनके हाल बिल्कुल बेहाल से हो गए। सब लोग इधर उधर भागने लगे कि सच में कुछ ऐसा तो नहीं है। वहीं विशाल भी जो है वहाँ पर जो शीशा वाला दरवाज़ा है उस पर अपना सिर पटक कर बता रही थी कि कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, और मधुमा तुली भी ये बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई एनर्जी जो है जा रही है, कोई एनर्जी लेके जा रही है हमें, हमारी कोई एनर्जी पास हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें वाइब्रेशन उन्हें महसूस हो रही है। वेल, यहाँ पे सिर्फ विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली ने ही ये महसूस नहीं किया है, बल्कि पारस को भी कभी कभार ये महसूस हुआ, आसिम को भी कभी ये महसूस हुआ, और जो एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं हिमांशु खुराना, उनको भी ये चीज़ महसूस हुई कि कोई लेडी है। और आपने देखा होगा जो जेल बना हुआ है वहाँ पे उन्हें जो है ये नज़र आई थी। वेल, पूरी फुटेज तो बिग बॉस वाले नहीं दिखाते, आपको पता ही, लेकिन ये जो ऑफिशियल वीडियो सामने आया है इससे कहीं ना कहीं सब लोग डर चुके हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि सच में बिग बॉस सीजन 13 में क्या कोई भूत ने एंट्री करी है या फिर क्या कुछ हो रहा है। खैर, ये तो बाकी घर वाले ही जाने, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हिमांशु खुराना की तो उन्होंने भी ट्वीट करके एक बात यहाँ पर ट्वीट के जरिए अपने सामने रखी है कि पहले आसिम और पारस को ये दिखाई दिया था और उसके बाद भी मुझे भी ये दिखाई दिया था, और बहुत ही भयंकर नज़ारा था, हमें एक लड़की यानी कि एक लेडी दिखाई दी थी वो भी जेल के पास। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सहमति जताई। अब इन चीज़ों से तो यही लगता है कि ये जो बिग बॉस का जो ये माहौल बन गया था उस वक्त वो सच में डरावना लग रहा था, और कलर्स के जो हैं ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से इसको शेयर किया गया था इस वीडियो को, जिसको देखने के बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और उसको देखने के बाद सबको ऐसा लगने लगा कि एपिसोड में क्या कुछ दिखेगा। तो उसके बाद विशाल जो है पूरी कहानी सबको सुनाने लग गए कि मुझे जो है ऐसा कुछ महसूस हुआ, भूत ने मुझे टच किया, और इस तरह की चीज़ें सब ध्यान लगा के सुन रहे थे क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस के अंदर कोई ना कोई तो है जो इस तरह की वाइब्रेशन देता है और वो महसूस कराता है। तो चलिए, आप मुझे बताइए कि आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है कि बिग बॉस के घर में सच में कोई क्या भूत है, या फिर ये लोग जो है हो सकता है ये लोग नौटंकी कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। वेल, विशाल और अगर हम बात करें मधुरिमा की तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, और इन्हीं दोनों को ही सिर्फ वहाँ पे भूत दिखाई दे रहा है। कभी कभी मतलब एक डाउट भी होता है कि पूरे बिग बॉस के घर में सिर्फ विशाल और मधुरिमा को ही ये चीज़ क्यों फील हुई उस वक्त, किसी और कंटेस्टेंट को क्यों नहीं हुई। खैर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, अपने रिएक्शन ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा, और हॉलीवुड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक में, और साथ ही लाइक भी कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अगली बार फिर से बिग बॉस की कुछ चटपटी खबरों के साथ आपको ज़रूर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।